विगत 10 फरवरी को झाबुआ शहर में गोपाल कॉलोनी में एक युवती की आत्महत्या के मामले में युवती के परिजनों ने भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के झाबुआ नगर मंडल के उपाध्यक्ष अर्पण मिश्रा पर युवती को आत्महत्या के लिए मजबूर करने, मारपीट करने, शारीरिक संबंध बनाने एवं प्रताड़ित करने के आरोप लगाए थे। 12 दिनों तक चली जांच के बाद अंततः कल आरोपी युवक अर्पण मिश्रा पर झाबुआ कोतवाली में धारा 306 के तहत प्रकरण दर्ज हुआ था और कल रात में युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरे मामले को लेकर युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सहित कार्यकर्ताओं के द्वारा झाबुआ कोतवाली में आज प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया गया और उक्त आरोपी के ऊपर धारा 302, 276 एवं STSC एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की मांग की है। पाँच दिन पहले एक वार्ड क्रमांक 12 गोपाल कॉलोनी की बच्ची ने आत्महत्या की है, उसको लेकर हमने ज्ञापन दिया है कि जो आरोपी है अर्पण मिश्रा, उसने कुछ समय पहले भी एक बाइक से एक बच्चे को उसने एक्सीडेंट किया था, तो एक घर का चिराग उसने बुझा दिया था। अभी फिर उसने एक घटना करी है, एक बच्ची को मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित किया, तो बच्ची ने आज आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठाया है। तो उसके लिए हम लोग आज अर्जुन देने सर को आए हैं कि सर उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उनसे उस पर 376, 302 और STSC एक्ट में मुकदमा दर्ज किया जाए, क्योंकि आने समय में समाज में ऐसे जाना चाहिए कि इस तरह से जो करेंगे करेगा उसको बिल्कुल नुकसान नहीं जाएगा। आज समाज के जो भी जो हमारी जो बेटियाँ हैं वो निडर होकर अपने क्षेत्र में अपने परिवार में रह सके, क्योंकि आप देख रहे हो रोज़ की रोज़ ऐसी घटना घटती जा रही है कि जहाँ पे महिलाओं पे अत्याचार बढ़ता जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि इस पर बड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे समाज में सिर्फ जाए कि भाई आने समय में जो भी इस तरह से काम करेगा उसको बिल्कुल छोड़ा नहीं जाएगा। देखिए, मामले में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था और आरोपी की गिरफ्तारी की गई है और अभी प्रकरण जो है अनुसंधान में है और इसमें जैसे भी साक्ष्य आएंगे उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी।